मैं सीएम को भी देखता हूँ, कमिश्नर का भी ऑपरेशन किया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो दोस्तों, आज का वीडियो का आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। एंड दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में नज़र आने वाले डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, जो कि गाय झारखंड के चतरा लोकसभा के संसद के प्रत्याशी हैं, जो कि गाय 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसी के उम्मीदवार है डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह। एंड दोस्तों, उन्होंने बहुत ही नॉलेजफुल बात बताई है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो के जरूर से एंड तक देखिएगा। एंड दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुनाजिर जी, आपकी आवाज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभिषेक सिंह जिंदाबाद, अभिषेक सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुनाजिर जी, आपकी जो आवाज है, जो बोलने की शैली है, आप इस पूरे इलाके के एक तरह से बान और शान है, और आप में ये शक्ति है कि एक साथ इतने लोगों को, कभी भी बच्चे खेल रहे हैं लेकिन आप उनको एंटरटेन करके रख रहे हैं, बांध के रख रहे हैं। इस जगह पे ललसू राम जी जो है उनमें गजब का नेतृत्व करने की क्षमता है, और ये दोनों हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और ललसू राम जी के चलते ही आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं पिछले बार भी प्रोग्राम में आया था, मैंने प्राइज वितरण किया था, और मुझे इस जगह से लगाव है क्योंकि मैं भी छोटे गांव से निकल के और एम्स से पढ़ा, ऑल इंडिया में 25 रैंक था, अभी मेरा हॉस्पिटल भी है। मेरा योगदान गांव के लिए क्या होगा, मैं इसके बारे में हमेशा चिंतन करता हूँ, इसलिए बार बार मैं गाँव की तरफ आता हूँ। मैं आपको खेल के बारे में आज बताऊं, कभी भी मैं कोई भाषण नहीं देता हूं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें क्या हो सकता है, उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, उसमें क्या बुद्धि बनता है, मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जगह में पूरा पहाड़ और जंगल है। पहाड़ और जंगल जो होता है ऊर्जा का केंद्र होता है। जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं तपस्या करने, पहाड़ और जंगल में जाते हैं, क्योंकि वहां उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो भी रहेंगे उनकी ऊर्जा हाई होगी, अगर उस ऊर्जा का अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग हो जाएगा। और आप उपयोग कैसे कीजिएगा, स्पोर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी, यानी खेल और अध्यात्म। खेल यहाँ पे केवल 10 साल का नहीं होना, 10 दिन का नहीं होना चाहिए। यहाँ चतरा, लातेहार और पाकी के कुछ क्षेत्र जहां पे जंगल वाला एरिया है, या नॉर्मल जगह भी, अगर यहाँ स्पोर्ट्स का ग्राउंड हो और सालों भर खेलने का अगर व्यवस्था हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जितना यहाँ बच्चे नॉनवेज खा रहे हैं और अल्कोहल ले रहे हैं उनका संख्या लगातार कम हो जाएगा। अगर देखिए उनको अच्छा लगा, और अगर यहाँ आश्रम होगा तो वो जीवन का अध्ययन के बारे में जानेंगे। अभी वो जान रहे हैं कि ठीक है भाई, मुझे अच्छा घर चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया व्यवस्था चाहिए, लेकिन जीवन के प्रति ज्ञान कम है। अगर मैं केवल डॉक्टर होता तो मैं आपके बीच में पक्का नहीं होता, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, ततो मैं जीवन को समझ रहा हूं। मैं जीवन को समझ रहा हूं तो मुझे यह भी पता है कि मुझे इस जीवन के साथ क्या निकालना है और क्या देना है। अभी मैं 42 किलोमीटर का मैराथन कंप्लीट किया हूं, 5 आवर्स में 42 किलोमीटर मैं चला था, दौड़ा था। अभी 380 किलोमीटर की मेरी पद यात्रा हुई थी, तो मैं खुद भी स्पोर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों से जुड़ा हुआ हूं। तो स्पोर्ट्स से क्या होगा, जो ऊर्जा अनऑर्गेनाइज्ड है, अव्यवस्थित है, वो व्यवस्थित होगा। जैसे ही ऊर्जा आपकी व्यवस्थित होगी, दिमाग आपका शांत होगा। जैसे ही दिमाग आपका शांत होगा, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइएगा, अच्छा कीजिएगा। खेल के क्षेत्र में यहां मैं बच्चों को देख रहा था, वो जैसे ही बॉल आ रहा है ना तो दिमाग उनका घबरा जा रहा है, वो बॉल को बहुत कंट्रोल करके नहीं खेल पा रहे हैं। अगर उनका दिमाग कंट्रोल रहता तो बॉल को बेहतर तरीके से वो कंट्रोल करते, बहुत सारे इधर से उधर मार दे रहे। अगर आप खेल रहे हैं ज्यादा बेहतर खेलिएगा,
अगर पढ़ाई कीजिएगा बेहतर पढ़ाई कीजिएगा, अगर आप बिजनेस कीजिएगा बेहतर बिजनेस कीजिएगा, आप किसी से संबंध बनाइएगा बेहतर संबंध बनाइएगा, नहीं तो शाम होते होते चूंकि आपने ऊर्जा आपने निकाला नहीं, व्यवस्थित नहीं किया, तो आप अल्कोहल में समा जाइएगा। और अगर ऊर्जा को आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया तो ऑब्वियसली वो डिसऑर्गेनाइज होगा, कहां कहां जाएगा, वायलेंस, जेलसी, ईगो, सेक्सुअलिटी, ये सारे चीजों में ऊर्जा आपकी निकल जाएगी, यानी आपका जीवन एक बहुत साधारण जीवन बन जाएगा। आप अद्भुत मैं जो देख रहा हूं, हमारे साथ जो व्यक्ति अभी आया, ये लड़का जो है आदिवासी समाज से ही है और नगर के रहने वाले हैं, मैं जो देख रहा हूं इनका ड्राइविंग स्किल, क्या ये ड्राइविंग कर रहे हैं, ये हर व्यक्ति हर लड़का जो यहां पे जंगल और पहाड़ में रह रहा है वो अद्भुत कार्य कर सकता है, उसमें अद्भुत शक्ति है, लेकिन हमने उसको व्यवस्था नहीं किया, हमने उसको उस लायक नहीं बनाया कि अपने जीवन के उत्कृष्ट प्रदर्शन वो कर सके। मैं डॉक्टर हूं, मैं सीएम को भी देखता हूं, कमिश्नर का भी ऑपरेशन किया हूं, यहां जितने मैक्सिमम आपके प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर सब हमारे पेशेंट हैं, लेकिन ये एक इंडिविजुअल आदमी का परफॉर्मेंस है ना। अगर जो मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं बोड़ा छाप स्कूल से पढ़ा हूं, 10 तक मैंने लालटेन में पढ़ाई किया है, अगर डॉक्टर अभिषेक का सॉफ्टवेयर ये हर एक बच्चा में अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो चमत्कार होगा कि नहीं होगा, चमत्कार होगा ना। अगर एक व्यक्ति 30 लाख के जीवन को बदल दे, इससे बड़ा कोई रोजगार है क्या, कोई 30 लाख बिल्डिंग भी बना ले अगर 30 लाख जीवन को बेहतर कर दे तो 30 लाख बिल्डिंग बनाने से अच्छा है कि 30 लाख के जीवन को बदला जाए। और जो 30 लाख के जीवन को बदल सकता है, क्या वो 3.5 करोड़ के जीवन को नहीं बदल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बदल सकता है। ये आवाज साइड से आने लगी, हमें समाज का चिंतन करना है, हमें ये सोचना है कि मेरा पुत्र ही केवल मेरा पुत्र नहीं है, दूसरे का पुत्र से प्रेम करके देखिए, आपके पुत्र से ज्यादा वो प्रेम करेगा, क्योंकि आपका पुत्र ये अपना अधिकार समझता है कि मेरा जो पिता है मेरे से प्रेम तो करेगा ही करेगा, जिससे आपने प्रेम एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो आपसे प्रेम करेगा, आपने उसके साथ प्रेम संबंध बनाया, तो हमेशा जीवन भर लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा आया कि जो भगवान हमें एक दूत के रूप में हमारे जीवन में भेज दिए। ये यात्रा जबरदस्ती में शुरू हो गया, मैं एक्चुअली 2-2.5 साल पहले जबरदस्ती मुझे मैं निकालेगा कि सर कर दीजिए कैंप कर दीजिए राजेश शर्मा जी, मैं 5 बार मना किया था, मैं बोला मैं तो मनिका जाऊंगा ही नहीं, नाम सुन के ही लगता था कि यार कहां जा रहा हूं। आज देखिए कि कोई लातेहार का चतरा का पांकी का जगह नहीं बचा है, जहां यहां के लोगों को डर लगता होगा वहां पे भी मैं घूम के आया हूं, और चूंकि मैं गांव वाला हूं तो मैं सांसद बन भी गया, तो मैं लातेहार जाऊं या ना जाऊं सेरक तो पक्का आऊंगा, मेरे लिए भाव और प्रेम इंपॉर्टेंट है, हमें गांव वाला को मजबूत करना है। मुझे अभी भी शहर में मन नहीं लगता है, मैं रांची में 6 एकड़ का फार्म हाउस रखा हूं, 1 एकड़ में भी धान भी लगाऊ, क्योंकि मैं गांव का फील लेना चाहता हूं। शहर में क्या है, अरेंजमेंट, वहां बिल्डिंग बढ़िया मिलेगा, डिग्री बढ़िया मिलेगा, इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति ज्यादा मिलेंगे, प्रेम भाव नहीं मिलने वाला है, जीवन नहीं है वहां पे अरेंजमेंट है, जीवन जीवन होता है, अरेंजमेंट होता है। जीवन क्या है, स्पोर्ट्स, साथ में अध्यात्म, प्रकृति, पशु, प्रेम, मानव जीवन, ये जीवन है। अरेंजमेंट क्या है, बिल्डिंग, गाड़ी, घर, पद, पोजीशन। आदमी को जीवन जो है वो हमेशा आगे बढ़ाता है अगले जीवन के लिए, और आगे जो सबसे बड़ा जीवन कौन सा है, वो है आप जिसको अल्लाह भगवान खुदा गॉड कहते हो, सबसे बड़ा जीवन वही है और उसी के तलाश में हम लोग लगे हुए हैं, और हम कहां अटक गए हैं, अरेंजमेंट में, बिल्डिंग बढ़िया रहेगा तभी लगेगा कि मैंने कुछ किया, नैतिक तरीके से नहीं मिलेगा अनैतिक तरीके से उठा लेंगे। मैं पिछले 2-2.5 साल में 175 मेगा हेल्थ, आज भी मैं 2 जगह मेगा हेल्थ कैंप करके आ रहा हूं, लोगों का सॉफ्टवेयर मैं चेंज कर रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा किस पे काम करना है, लोगों पे काम करना है, लोग बदल गए समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं तो आप रोड नली गली बिल्डिंग बनाते रहिए, लातेहार का पैसा रांची और रांची का पैसा मुंबई दिल्ली और गुड़गांव में लगेगा, झारखंड का कुछ नहीं होने वाला है।
ये हमें सोचना है कि कब तक हम अपने बच्चे को बढ़िया इलाज के लिए, बढ़िया शिक्षा के लिए, बढ़िया नौकरी के लिए, साथ में और भी कुछ बढ़िया अगर व्यवसाय भी करना होगा तो बाहर कब तक भेजते रहेंगे। हमें अपना व्यवस्था करना है। एक लीडर केवल काफी होता है कि पूरे झारखंड को बदल दे। एक ही शर्त है कि वो लीडर लोगों के बारे में सोचे, जगह के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे। इसीलिए मैंने पहला काम बोला है कि जब मैं सांसद बनूंगा पहला काम क्या करूंगा जानते हैं? पहला चीज मैं बोला हूं कि भारतवर्ष में जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार कोई सांसद प्रतिज्ञाबद्ध होगा कि आपके क्षेत्र से 5 रुपये भी मैं अनैतिक तरीके से हासिल किया तो मैं अपना चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। आपके लिए ओपन चैलेंज है कि डॉक्टर अभिषेक में गलती ढूंढिए, ओपन चैलेंज की गलती ढूंढिए। और ज्यादातर सांसद यहाँ कोयला पत्थर बालू के लिए ही बनते हैं। टिकट बिकता है, टिकट एक रूम में डिसाइड हो जाता है किसको मिलेगा, और वो बेचारा आके कि मैं आपका सांसद हुआ है। कोई चतरा संसदीय क्षेत्र साम्राज्य है कि तुम इसके राजा बन गए। हमें लोगों पे काम करना है। हमें जाति धर्म बाकी जो व्यवस्था है, जो पार्टी के हिसाब से लोग बटे हुए हैं, उनको जोड़ देना है। चतरा को मजबूत करना है, संसदीय क्षेत्र को मजबूत करना है। और हमें अगले 5 साल में, अगर मैं मान लीजिए लालटेन और ढिबरी में पढ़ के ऑल इंडिया में 25 रैंक ला सकता हूँ, 7 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल बना सकता हूँ, पूरे स्टर्न जोन में मेरा सबसे ज्यादा फीस है 1100, एक कान के डॉक्टर ललसू राम जी के बेटा को बोलेंगे कान के चदरा का ऑपरेशन करना होगा, मैंने बोला यार मैं तो आंख का डॉक्टर हूँ फिर भी प्रयास करता हूँ, दवा दिए ठीक हो गए ना। उद्देश्य और विचार में ताकत है। तो आपको क्या लगता नहीं कि वो मेरा जुनून कम हुआ है क्या? 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम करके 4th प्रोग्राम में आऊं, 1 प्रोग्राम और करने जाना है। तो डॉक्टर को तो लोग समझते हैं कि यार ये हॉस्पिटल में ही बढ़िया दिखते हैं, ओपीडी में ही बढ़िया दिखते हैं, रोड पे कोई डॉक्टर बढ़िया दिखता है क्या? उतनी ताकत ही नहीं कि रोड पे चल सके। और मैं तो आप लोग को चैलेंज करता हूं, मेरे साथ थोड़ा दौड़ के देखिए, अगर मेरे से ज्यादा दौड़ लीजिएगा तो 42 किलोमीटर कभी दौड़े एक साथ में? नहीं दौड़े हैं। तो मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है मुझे, मेरा यही लक्ष्य है कि कैसे मैं ह्यूमन बीइंग को मजबूत करूं, झारखंड को कैसे मजबूत करूं, और चतरा मॉडल को पूरे विश्व को दिखाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। खेल का माहौल है लेकिन हम जीवन के खेल की चर्चा की है, हम राजनीति के खेल की चर्चा की है ताकि हम बेहतर खिलाड़ी बन सके। हमें झारखंड के मान सम्मान, गौरव और पहचान के लिए काम करना है कि लोग साउथ में धोनी को जानते हैं, झारखंड को नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ा, आपकी पहचान ही नहीं है तो आप जिंदगी क्या जी रहे हो। तो हमें अपने आत्मसम्मान, गौरव और अपने पहचान के लिए काम करना है। और झारखंड में हमने बोला था, मैंने पहले ही एक बार बोला था कि लोग शंकर नेत्रालय और चेन्नई में अपना आंख का इलाज कराने जाते हैं। मेरी भी एक ऐसी इच्छा है कि मैं रांची और झारखंड में ऐसा हॉस्पिटल खोलूंगा कि चेन्नई से लोग इलाज कराने आएंगे। और इसका जो है एक जो है ऐसा पेशेंट हमारे पास आ गए, एक टी कांडा स्वामी है, डीजी रैंक का अफसर है, अपने फ्रेंड को अभी चेन्नई से बुला के दोनों आंख का ऑपरेशन कराए हैं। आप जो जीवन में सोचिएगा वो पक्का होगा। बाद में बल्क में आएंगे लोग इलाज कराने। झारखंड में सब कुछ है और हमें जस्ट अपने आप को बेहतर बनाना है, लोगों को मजबूत करना है, पूरा विश्व हमारे पास आएगा। आप इसकी तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो जो जीता और जो रनर अप रहा दोनों ही विनर हैं। और अगली बार हम लोग प्रयास करें कि जब हम लोग खेलें तो हमारे 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को मेहनत करके हर बड़े बड़े जगह पे जहाँ पे खेल का व्यवस्था है वहाँ पे स्पोर्ट्स की अच्छी व्यवस्था हो, ये बाउंड्री किया होना चाहिए, यहाँ पे जिम का व्यवस्था होना चाहिए, लाइब्रेरी का व्यवस्था होना चाहिए, जब जो चाहे जैसा खेल खेल सके। शाम में दारू का याद नहीं आएगा, मैं आपको पक्का बोलता हूँ। मैं बहुत सारा बुक पढ़ा हूँ, 500-600 ज्यादा बुक पढ़ा हूँ, अच्छे अच्छे लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, मैं इवन मंत्री और विधायक भी आके मेरे पास अपने बच्चे को काउंसिलिंग के लिए भेजते हैं। मैं ज्ञान के प्रतीक हूँ, मैं अध्यात्म के प्रतीक हूँ, मैं जीवन दर्शन के प्रतीक हूँ। और मैं लोग धीरे धीरे जीवन भूलते जा रहे हैं उसको बताने आया हूँ, सिखाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।